इंसानों के लिए समंदर हमेशा ही बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है। हमारे लिए समंदर रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें जीवन प्रदान करता है। हम में से कई लोग अपने जीवन की बहुत सी जरूरतों के लिए इसी समंदर पर निर्भर होते हैं, लेकिन उसका एक भयानक रूप भी होता है। कभी कभी इसकी लहरें अपनी शांत रूप छोड़कर बन जाती हैं खतरनाक सुनामी। क्या है सुनामी? समुद्री तूफान को जापानी में सुनामी कहते हैं, यानी बंदरगाह की निकट की लहरें। दरअसल ये बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती है तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है, इनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही मच जाती है। गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 17 मीटर तक।